सीमांत जनपद चमोली के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में आज सामाजिक आर्थिक विकास को लेकर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आर्थिक परिषद एवं सामाजिक आर्थिक विकास अध्ययन परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सम्मेलन में देश भर के विश्वविद्यालयों के अर्थशास्त्री जुटे हैं। दो दिन तक चलने वाले सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में लगभग 50 शोध पत्र पढ़े जाएंगे। सम्मेलन में प्रस्तुत सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र को पुरस्कृत किया जाएगा। सेमिनार का शुभारंभ करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति प्रोफेसर NMP वर्मा ने कहा कि देश की आर्थिक उन्नति से ही विकसित भारत बनाने का संकल्प पूरा होगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तराखंड उच्च शिक्षा के संयुक्त निदेशक प्रोफेसर आनंद सिंह उनियाल ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के हर नागरिक को राष्ट्रहित का भाव विकसित करना होगा। सम्मेलन के आयोजक डॉक्टर SK लाल ने बताया कि कार्यक्रम में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के अर्थशास्त्री और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ पहुंचे हैं। इस अवसर पर स्थानीय उत्पादों को लेकर एक प्रदर्शनी भी छात्रों द्वारा लगाई गई है। 6वें अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन बड़े गर्व के साथ गोपेश्वर में मैं कर रहा हूं और इसका सबसे मूल उद्देश्य क्या है कि फ्रॉम भारत टू विकसित भारत अपॉर्चुनिटी एंड जो चैलेंजेस, जिसका मेन हमारा थीम है कि जैसे कि वर्तमान समय में यह देखने को मिला है कि जैसा कि धर्म के प्रति आस्थावान हो करके मूलभूत रोजगार और आवश्यकताओं की अपॉर्चुनिटीज पूर्व में जैसे हमारा बद्री केदार का स्थापना करके आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने उत्तराखंड के आर्थिक जगत को कितना बूस्टर के रूप में आगे कार्य कर रहा है, इसका उद्देश्य का मेन हमारा उद्देश्य और यह भी है कि रोजगार का स्थापना हो, यहाँ के लोगों का आर्थिक स्थिति समृद्ध हो, जिसके लिए देश विदेश से हमारे यहाँ जो है समस्त अर्थशास्त्री आए हुए हैं।